नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी उत्तम स्टडी में। दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से 2021 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वरना आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप लोग भी ठगे जाइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो हेलो, हाँ निशा कुमारी हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना, निशा कुमारी ही बोल रहे हैं। निशा कुमारी ही बोल रहे हैं, उसका ब्रदर बोल रहे हैं क्या? हाँ, हम डाटा एंट्री ऑफिस से बोल रहे हैं, पटना से। इस बार इंटर का एग्जाम दी थी। जी जी। हेलो हेलो, जो निशा कुमारी है सर, इंटर का एग्जाम दी थी इस बार। हाँ, वो फेल कर गई थी। हाँ, तो हम डाटा एंट्री बोल रहे हैं, मार्कशीट इसका जो है ना, मार्कशीट पर नंबर बढ़ जाएगा, इसका बीए में एडमिशन भी हो जाएगा। अच्छा सर, क्या करना होगा इसके लिए? क्या चीज? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कुछ खर्च पे करना पड़ेगा, उसके बाद पास हो जाएगी। दो विषय में फेल थी, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। टोटल 195 नंबर था ना। और फादर्स नेम है त्रिभुवन, मदर नेम है बबीता देवी, और फादर्स नेम त्रिभुवन शाह। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम डाटा एंट्री ऑफिस पटना से बात कर रहे हैं। जो मार्कशीट लैब होता है ना, मार्कशीट लैब से बात कर रहे हैं, जो मार्कशीट बनता है वहीं से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है, आप जो मार्कशीट में नंबर डालते हैं तो कॉपी में देखकर ना डालते होंगे, जो लिखा गया होगा उसी अनुसार ना डालते हैं? कॉपी नंबर नहीं डाला जाता है बाबू, मार्कशीट होता है, मार्कशीट पर कभी कॉपी नंबर लिखा हुआ रहता है? तो कॉपी नंबर में ही ना लिखा हुआ रहता है उसमें, जैसे अब कॉपी में हम जो लिखे होंगे उसी अनुसार रिजल्ट मिलेगा? नहीं बाबू, इस पर नंबर तुम्हारा जो फेल हो गया है, हाँ, उस पर जितना जो प्रिंट होता है ना, 21 नंबर 22 नंबर जो प्रिंट हो रहता है, हाँ, वही प्रिंट तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आरसीसी, आचरण, सब उसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, मार्कशीट के हिसाब से। ठीक अच्छा, है, इसलिए क्या खर्चा लगेगा? इसके लिए दो विषय का है, इसके लिए 3000 रुपये पड़ेगा, पर एक विषय का 1500 रुपया। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा इसका 3 विषय में, इसमें 7 नंबर लगे, 3 विषय में फिर इसका 4000 रुपया पड़ेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमित कुमार। आपका घर कहाँ है? पटना है। हेलो, हाँ पटना। तो क्या पैसा आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा? पैसे अकाउंट पे पे करने के बाद हमारे पास मैसेज आएगा, मैसेज करने के बाद तुम्हारा मार्कशीट के पर जितना नंबर हम बढ़ाएंगे उतना हम, अगर जो व्हाट्सएप मांगेगा तो व्हाट्सएप हम दिखा सकते हैं, तुमको भेज सकते हैं, लेकिन बरसाते काम कराने के बाद ही आपको 5 से 6 बजे आपको मार्कशीट भेज दिया जाएगा, और उसके बाद कॉलेज से प्राप्त करके मार्कशीट आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो करवाने के लिए एग्री है? नहीं, एक कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसको अभी जा रहे हैं कंप्लेन करने ना। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से कॉल करके ठगने का प्रयास किया जा रहा है। कल जाकर के आप लोगों के पास भी कॉल आएगा और बताया जाएगा कि मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूं, आप लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो, इस सब्जेक्ट में फेल हो, आप लोगों को 2000 रुपया जमा करना पड़ेगा, 3000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से आप लोगों के पास कॉल आता है तो आप लोगों को 1 भी रुपया वहां पर जमा नहीं करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बात करने पर उघम जाते हैं और ऐसा ही वहां पर मान लिया जाए 2000 रुपया गया, और 2000 रुपया वो जैसे ही जमा करते हैं उसके 5 मिनट बाद भी आप लोग कॉल लगाइएगा तो कॉल वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोगों को तरीके से बात करना है, जैसे ही कॉल आता है तो आप लोग तरीके से बात कीजिए और आप लोगों को 1 भी रुपया वहां पे जमा नहीं करना है, तरीके से बात करके निकल जाना है और वहां पर बतलाना है कि ठीक है हम फेल हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देंगे। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा बकवास भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे आप गया शहर में धूम मचाने राही जॉब जंक्शन, जहां पर आप सभी को बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टीसी का तैयारी कराया जाएगा। आईएएस एंड जनरल कंपटीशन के छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 2100 रुपया में रहने खाने पढ़ने का सारा व्यवस्था दिया जाएगा।
ऑफर सीमित समय के लिए है, बाद में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आपको 3100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन का टीम अलग है, एयरफोर्स एंड नेवी का टीम अलग है, इस प्रकार से नंबर है। एक बार आप लोग कॉल करके अवश्य पूछे। यहाँ पे आप लोगों को राहिश सर के हॉस्टल के नाम से प्रसिद्ध है, मुफस्सिल मोहश्याम टॉकीज मानपुर गया के पास। एक बार आप लोग कॉल अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।